सब बनाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं लच्छी वाला और आज हम बनाएंगे लच्छी वाला का ब्लॉग। ये देखिए कितना ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे। तो हम गाइस लच्छी वाला पहुँच गए हैं। ये लच्छी वाला का एंट्री पॉइंट और ये है मेरी टीम। तो गाइस यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है। लच्छी वाला की पूरी काया पलट दी है। जब हम आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था और अभी हम 3-4 साल पहले ही आए थे, शायद 3 साल कोरोना से पहले ही आए थे जस्ट। ये देखिए ये हमारी चक्की है। कैप लाना आपके लिए, कैप किसी और दिन दे देंगे हम आपको। चलो तो गाइस ये पहले पुराना था और यहाँ पे ये जाली वगैरह कुछ नहीं लगाई गई थी, बट अभी इन्होंने यहाँ पूरा सेव कर दिया है, जाली जुली लगा के पूरा कवर्ड कर दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लच्छी वालों को इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है ना मिस्टू? अरे तो आर्टिफिशियल है। हाँ मैंने सोचा ओरिजिनल है और बहुत प्यारा बना रखा। फोटो उल्लू की कितनी अच्छी लग रही। और ये लोग अभी फोटो शूट करा रहे हैं यहाँ पे और मैं यहाँ की वीडियो ले रही हूँ और एक आराम से बैठी थी यहाँ पे। तो चलिए अभी आगे का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। हम देखते हैं आगे जाके क्या है यहाँ पे और हम भी बस पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिए आप हमारे साथ कि लच्छी वाला में कितनी चीज़ें नई हुई है। ऐसे चलो क्ली पेड़ है ये। पिछली बार हम यहीं पे नहीं कर रहे थे बीच गार्डन में वाला में। अब इसके बाद दीप्पी गेरी मैं करूंगी। अब देखते दीप्पी कर पाती है कि नहीं। सब दीप्पी जा रही है यहाँ पे करने। मोनू मोनू तो देखते हैं ना तू कर तू कर। मैं तो दीप्पी बड़े शौक से गई थी कि मैं करूंगी पर 57 वेट होने के अनुसार वापस आ गई मेरा 47। अभी तू जाओ ना। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। ना ना तू जा, फिर बोल दे तू मेरे साथ ही है। पागल हो गई, गिर गई। मेरा पाउंड इसमें था 57 पाउंड। ट्रिप नहीं कर रहा है। पैर फोल कर सीधा देख, सीधा देख, सीधा देख। इसकी वीडियो बनाओ ना। अरे इसकी वीडियो बनाओ क्या? ओह गुड गुड गुड, गो गो गो। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे चढ़ रहा है। इसमें हमने इसका टिकट लिया है 40 रुपीज पर पर्सन पर चिल्ड्रन। गुड शानू शानू और चढ़ आराम आराम से चढ़े आराम से। हाँ सानू को डर लग रहा है इसलिए सानू नीचे आ गया। सानू पलट नहीं पा रहा। गुड गुड वेरी गुड। और करो और करो। देख रहे सबको और ये हर्षित अपने सिस्टर को देख रहा है कैसे कूद रही है और हम यहाँ सब देख रहे हैं बच्चों को जंप कैसे हो रहा है यहाँ पे। दूसरे जुड़े ज्वाइन ज्वाइन कर रहा हूँ ट्रैकिंग कर। अरे बच्चों क्रॉस तो करने दो। ये पेड पार्किंग है, ये चिल्ड्रन के लिए है। 40 रुपीज ईच चिल्ड्रन है। ये पेड पार्किंग है और यहाँ पे 4-5 झूले टाइप्स लगे हुए हैं। नौ ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। नॉर्मल झूले हैं ये देखिए हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल झूले हैं।
बड़े भी झूल सकते हैं इसका इन झूलों में। अब जा रहे हैं मिष्टी और इसमें, तो अब आएगी दिप्पी और मिष्टी। हाँ सबसे पहले दिप्पी की स्लीपर आ गई, अब दिप्पी आएगी। चल आप दिप्पी दोबारा से ट्राई कर रही है। ए कहाँ जा रही मिष्टी, इधर आओ। ये उसको कह रही चल इधर चल। द्राक्ष का पेड़ कौन सा चाहिए? ना ना। और ये जहाँ पे इन्होंने ये वाइट वाइट कलर की डोरी बांधी है, वहाँ से कली काट के दूसरी जगह पे लगाएंगे, इससे रुद्राक्ष निकलेंगे। और इससे रुद्राक्ष निकलेंगे, और ये रुद्राक्ष मिलेंगे आपको जून महीने में। इस महीने के इन्होंने काट के ले लिए है, आगे दे दी। तो जिसको भी गाइस रुद्राक्ष चाहिए होंगे वो जून के 15 तारीख तक यहाँ पे आए और यहाँ से ले लें, मिलेंगे आपको यहाँ पे। इन भैया ने बोला यहाँ फ्री मिलते हैं, ये जो भैया यहाँ पे एक थे उन्होंने बताया फ्री में मिलते हैं ये। गुस्सा हो गई है मिस्टर, क्यों हुए आप गुस्सा, क्या हो बेटा? दीदी ने माला क्यों? और आप गुस्सा हो गए कैसे, ऐसे करके गुस्सा हो गए आप? फिर से होना तो एक बार फ्रेंड्स को दिखा दो कैसे गुस्सा, ऐसे गुस्सा हो जाते आप। गाइस अब हम आपको ये साइड लेके चलते हैं, और ये बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का। वाटर पार्क में लाइट्स लगी हुई है छोटी छोटी जो रात को जलेगी, और अभी नहीं दिख रही है। उसके बाद हम जाते हैं लाफिंग बुद्धा की साइड। लाफिंग बुद्धा की साइड तो हम यहाँ पे पोज दे सकते हैं, लाफिंग बुद्धा की साइड पोज लेंगे। तो गाइस मैंने लाफिंग बुद्धा बनाया है, बहुत मना किया टच, सॉरी हमने टच कर दिया जो कि मना किया गया था, आप आएंगे तो टच मत कीजिएगा इसे, बट इसके पेट को टच करने से लक्ष्मी आती है, सारे पैसे आएंगे। और अभी हम आपको लेके चलते हैं आगे हम बद में, हम इसे चढ़ रहे हैं। ले दिप्पी ने उठ गया, नुकसान कर दिया यहाँ पे दिप्पी ने, नुकसान कर दिया। मैं बताई दिप्पी से ली जाएगी, मैं पे करूंगा। और अब हम आपको लेके चलते हैं, ये एक्शन फिगर ये है, तो यहाँ पे दोनों का सेम ही है। कोई मैं ऐसे ले लूंगी। तो गाइस ये बहुत अच्छा बनाया है, और लच्छी वाला में बहुत सुंदर। कोरोना के बाद तो यहाँ बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, क्योंकि हम हम कोरोना के बाद आफ्टर 2 इयर्स बाद हम दोबारा आए हैं, तो काफी अच्छा है। और नहाने का जो स्विमिंग पूल का सिस्टम है वो कम कर दिया है। हाँ। और सब रात की चीजें उन्होंने कर दी है, रात को नाइट शो भी, चलो देखते हैं, हम देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, अगर देख पाए। और नहीं देख पाए तो आइए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। तो ये अंकल का पोज बहुत सुंदर लग रहा है, आदिपी भी ऐसी बैठेगी और मैं इसकी वीडियो लूंगी इसके ऊपर, इसको ऐसे और इसको सुलाते हुए सेम पोज अभी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए दीपी ने सेम पोज बना दिया है, इसके लिए कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा बना है। फ्रेंड्स यहाँ लिखा है हाई प्लेट टू सेव मदर नेचर, तो हमें प्लेट ले सकते हैं, नेचर को सेव कर सकते हैं, तो हम जो कि हमें करना चाहिए नेचर सेव, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड है बहुत ही सुंदर है। और गाइस ये लच्छी वाला नेचर पार्क बिफोर एंड आफ्टर, आप देखिए ये है बिफोर की फोटोज, ये बिफोर की फोटोज है। यहाँ पे स्विमिंग और पानी वाटर का ज्यादा था, और राइडिंग वगैरह कम थी, और यहाँ पे स्विमिंग का थोड़ा कम कर दिया सेक्शन, राइड्स ज्यादा कर दिए और काफी मॉडिफाइड कर दिया है, हार्ट शेप में ग्रास लगाई गई है, झूले हैं बच्चों के लिए। ये भी है आई लव देवभूमि उत्तराखंड, आई लव आई एम एट लच्छी वाला नेचर पार्क। ये लाफिंग बुद्धा लगाया यहाँ पे इन्होंने, ये इनका पेट है बहुत मोटा पेट है, जिसे हम मेरे से भी मोटा है, ऐसे करते हैं मेरे से भी मोटा, आपसे भी ज्यादा मोटा है, पैसे निकलते हैं और आप यहाँ से इनसे पैसे मांग रहे हैं, और इनका सिर भी बिल्कुल टकला सा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत अलग अलग टाइप से पेट कट किए गए हैं और इसको कलर किया गया है। ऐसा हम भी कर सकते हैं पर हम कर नहीं पाएंगे, पर हम लोग नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए कितने प्यार से, कितने अच्छे से इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, बहुत ही प्यारा।
ये सारी जगह इन्होंने यही लगाया गया है यहाँ पे। और मेन बात ये देखिए, इस साइड भी इन्होंने यही लगाया। और ये फ्लावर्स भी है यहाँ व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स। ये आंटी जी कितने आराम से झूले में सो रही है, अगर अगर सो नहीं रही है वो आराम फरमा रही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें मार के देख सकूँ कि निशाना लगता है। और वो आपको आई लव देवभूमि पे जो कि आना बहुत जरूरी है। ये देखो ये बांस के पौधे हैं पीछे। एक चीज इसमें है जो कि धरोहर म्यूजियम है और जिसको अभी हम नहीं दिखा रहे। तो फ्रेंड्स हमारे न्यू ब्लॉग में दिखेगा फाउंटेन नाइट शो जो कि रात को चलता है 7:20 से लेके। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इन्होंने पेड़ों की कटिंग की है। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने लच्छी वालों का डेकोरेट किया है। ये सब पहले नहाने की जगह होया करती थी और अब ये इन्होंने कर दिया। वाओ गाइस देखिए यहाँ बैठ के नहा रहे हैं। तो अभी बहुत भीड़ है तो हम नहीं जा पाएंगे और हम चलते हैं आगे। ये रेस्टोरेंट है काफल के नाम का। तो फ्रेंड्स ये है लच्छीवाला के फाउंटेन शो की कुछ झलक जो कि शाम को 7:15 से स्टार्ट होती है। अगर आपको भी ये देखना है तो आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिए, उस पर हमने पूरी वीडियो बनाई दिखाई है। और आप ज़रूर देखिएगा हमारा नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए अलग ब्लॉग देखते रहिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।